आज का ये कलांश को मैं सबको स्वागत करता हूँ। आज का ये कलांश में हम दीर्घई की मात्रा, दीर्घई एक दीर्घई हमको तो पता है, ठीक है ना, दीर्घई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऐसे ही इसका मात्रा दिया जाता है। तो ठीक है, तो पहले हम कुछ नाम बताने वाले शब्द लिखते हैं। नाम बताने वाले शब्द यानी जो शब्द किसी का नाम को समझाता है हम उसको क्या बोलते हैं, नाम बताने वाले शब्द बोलते हैं, जैसे कि सीता, गीता, रीता। तो ठीक है, ये सब हम लिखना शुरू करते हैं। कुछ नाम लिख चुका हूँ, तो ये दिखे दिया हुआ सीता, मैं ये ओडिया में लिखा हूँ, हम क्या करेंगे इसको हिंदी में लिखेंगे, सीता, गीता, मीरा, बीना। यहीं पर ये दीर्घ का मात्रा है, बीना में बी, यहाँ पर मी, यहीं पर क्या है गी, फिर यहाँ पर क्या है सी है। तो हम इसको क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में लिखना सीखेंगे। तो देखो मैं शुरू करता हूँ, पहले मैं क्या लिखूंगा, सीता लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, देखो मैं पहले गा दे दिया, उसके बाद ये हो गया क्या दंता सा, फिर क्या है दीर्घ का मात्रा है, वो कैसे दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है, सी हो गया, ठीक है, फिर ता सीता। आगे फिर लिखेंगे गीता, देखो ये हो गया गा दीर्घाई गीता, गीता, फिर क्या है मीरा, मीरा को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे मा, फिर दीर्घ का मात्रा मी हो गया और राम मीरा, फिर क्या लिखेंगे बीना, देखो बीना लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया बी, ठीक है, और मुद्रा बी ना, ठीक है। तो ऐसे हम दीर्घ का की मात्रा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो भी लिखेंगे पहले कुछ अक्षर लिखेंगे, अक्षर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करके इस तरह ले आएंगे, जैसे कि क हो गया क दीर्घई की, ये क्या हो गया क दीर्घई की, ख दीर्घई कैसे होगा, देखो हम लिखेंगे ख दीर्घई, यहाँ हो गया ख, फिर दीर्घ का ख दीर्घई ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अपने खाता में क दीर्घ की के मात्रा को लिखेंगे। हमारे पास कुछ नया शब्द है तो उसके हम अर्थ जानेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखा हुआ है पा न दीर्घ नी, ये क्या हो गया पानी, इसको हम उड़िया में क्या बोलते हैं पानी, कौन कहूं पानी। फिर दा दी, क्या लिखा हुआ है द करे दा, दीर्घ दी, क्या हो गया दादी, दादी का उड़िया अर्थ क्या है, हम किसको दादी बोलते हैं, जेजे माँ को बोलते हैं, है ना, तो दादी को किसको बोलते हैं जेजे माँ, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है सीला, दंत दीर्घ सी करेला, ये क्या हो गया सीला, साड़ी सीला यानी इसको हम क्या बोलते हैं उड़िया में पत्थर, ठीक है, कभी कभी उड़िया में भी सीढ़ा बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ है नानी, ना ना दीर्घ नी, नानी का मतलब क्या है आई माँ को, हम आई माँ को हिंदी में क्या बोलते हैं नानी बोलते हैं, तो नानी का मतलब क्या है उड़िया में आई माँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है घड़ी, हम तो उड़िया में भी घड़ी बोलते हैं, किसको घड़ी बोलते हैं घंटा को, आया ना, तो हम घड़ी का मतलब क्या है उड़िया में घंटा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है भाभी, भाभी हम किसको बोलते हैं, हम भाभी को हम उड़िया में क्या बोलते हैं भाउज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाउज, ठीक है, कभी कभी हम भी भाउज को क्या बोलते हैं भाभी बोल देते हैं, ये सुनो। फिर उसके बाद क्या है लड़की, लड़की किसको बोलते हैं, लड़की जियो मान को भाजे, तो जियो मान को उड़िया में कौन भाजे लड़की, ठीक है। आप हम कुछ और नया शब्द के बारे में जानेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दीपक, दीपक, ये क्या हो गया दीपक, दीपक यानी हम इसको उड़िया में क्या बोलते हैं, उड़िया में हम इसको दीपक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सौ कागे सौ से सी करे का राधिकारी, क्या हो गया शिकारी, शिकारी का मतलब क्या जो शिकार करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं शिकारी बोलते हैं।
ठीक है। तो इसको हम ओडिया में भी शिकारी बोलते हैं, शिकारी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तितली। तितली आगे हम इसको ओडिया में बोलते हैं क्या, प्रजापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजापति, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, मछली। मछली कहाँ पर रहता है, ये पानी में रहता है। अब तो इसका मतलब सबको पता चल जाएगा, क्योंकि पानी में कौन रहता है, मछली रहता है। हम क्या बोलते हैं उसको उड़िया में, माछ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, उसके बाद लिखा हुआ है लकड़ी। ये ऐसा एक चीज है जो हमारा घर बनाने में मदद करता है, ठीक है। कभी कभी रोशनी करने में भी मदद करता है, जाल बनकर। और क्या होता है, ये हमको कहाँ से मिलता है, लकड़ी हमको बाल से यानी पेट से भी मिलता है, ठीक है। तो इसका उड़िया अर्थ क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं उड़िया में, काठौर। क्या बोलते हैं, काठौर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, पपीता। ये एक खाने का चीज है, ठीक है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत मीठे होता है और रसीला भी होता है, ठीक है। तो ये पपीता एक फल है। तो किसी को पता है क्या पपीता का उड़िया मतलब क्या है, अगर नहीं पता है तो देखो, पपीता को क्या बोलते हैं, अमृत भंडा बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, अमृत भंडा, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। नहीं, हम इसको सब खाते हैं, जो जो भी नहीं खाते हो उसको जरूर खाए खाना, क्योंकि ये हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सब है, देखो क्या लिखा हुआ है, आजादी। क्या लिखा हुआ है, आजादी। इसका मतलब क्या है, उड़िया में हम किसको हम बोलते हैं, हमको आजादी चाहिए। क्या चाहिए, हम बोलते हैं हमको आजादी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका उड़िया मतलब है स्वाधीनता। क्या है, स्वाधीनता, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दीपावली। हमको तो पता है क्योंकि हम उड़िया में भी दीपावली ही बोलते हैं। ये सुनो, जो उड़िया में क्या लिखेंगे, दीपावली। लेकिन जब ये हिंदी में लिखा जाता है तो यहाँ पर गांव नहीं लिखकर हम क्या लिखते हैं, वह लिखते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, दीपावली। क्या बोलते हैं, दीपावली, ठीक है। लेकिन उड़िया में जब हम लिखेंगे इसको दीपावली ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हरियाली। हरियाली का मतलब क्या है, सब्जिमा। सब्जिमा का मतलब क्या है, सब्जिमा, जो हरा भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हरियाली। हरा भरा का मतलब जहाँ पर देखो पेड़ पौधे या घास फूसे होता है उसको बोलते हैं क्या, उड़िया में इसको सब्जिमा बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हरियाली, यानी हरा भरा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाशपाती। क्या लिखा हुआ है, नाशपाती। नाशपाती क्या है, ये एक फल है, इसको हम उड़िया में भी क्या बोलते हैं, नाशपाती ही बोलते हैं, ठीक है, नाशपाती, ठीक है। अब खत्म हो गया ये पार्ट, हमारा खत्म हो गया, हमारे किताब में कितना था हम तो पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कदरे की क्या मात्रा है, हम इसको हमारे कॉपी में लिखेंगे या खाता में लिखेंगे। और हम आज जितने भी शब्द पढ़ेंगे, जितने भी शब्द के बारे में जान चुके हैं, हम उसको क्या करेंगे, अपने अपने कॉपी में लिखकर उसको रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है।